क्या ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में एक और रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। हाल ही में उन्होंने जब स्कूटर्स निकाले तब कहा गया था कि स्कूटर्स कौन लेगा इनके, लेकिन आज देखा तो तकरीबन 50% का जो मार्केट शेयर है वो ओला इलेक्ट्रिक ने ले रखा है। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो जब कस्टमर से बात करते हैं तो काफी सारे कस्टमर ऐसे जो थोड़े ना खुश है, क्योंकि उनको इसके हिसाब से सर्विस आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह निकाल दी, तो आखिर चल क्या रही है कहानी और कैसे ओला इलेक्ट्रिक अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, कैसे प्रोडक्ट्स को निकालने वाला है, एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों भी समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो हाल ही में उन्होंने जो 15 अगस्त को जो इवेंट रखा था वहां पे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अनाउंस करी थी और वो था उनका बैटरी सेल, जिसे उन्होंने भारत सेल बोला था, 4680। अब देखा जाए तो ये जो सेल रहता है ये एक कोर चीज रहता है, क्योंकि आज भी इंडिया में सेल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जिस कारण से जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर उनकी कीमतें ज्यादा है, क्योंकि आज भी हम इन सेल्स को चाइना या कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। इवन ओला कंपनी के जितने भी स्कूटर्स होते हैं, इवन एथर के भी बारे में बात करूं, ये कोरिया से अपने सेल्स को इंपोर्ट करते हैं और अपने स्कूटर्स के अंदर डालकर बेचते हैं, जिस कारण से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है। लेकिन ये जो ओला ने सेल दिखाए वो एक अलग टाइप का सेल है, जो इससे पहले दूसरे 2 व्हीलर्स में यूज नहीं किया गया था। 4680 सेल की खास बात है कि सिलेंड्रिकल बड़ा सेल रहेगा और इस सेल को वो इनहाउस डेवलप किया और इंडिया में ही इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अंदर जो सप्लाई लगती है, जो माल मसाला डलता है अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें बाहर से लेकर आनी पड़ेंगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे इस टाइप का सेल ओला ने पहले डेवलप नहीं किया, इससे पहले सेल टेस्ला जैसी कंपनी शोकेस कर चुकी है। सिमिलर सेल टेस्ला के साइबर ट्रक में आपको देखने को मिलता है। तो ओला इज नॉट द फर्स्ट, बट ओला कंपनी को इसका अडॉप्शन करने में, इसको इंडिया में बनाने में एक एडवांटेज मिला है। और इस सेल का बेनिफिट ये है कि इसको बना पाना सस्ता पड़ेगा, ये पहले से ज्यादा सेफ रहेगा, हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी कम रहेगी, यहाँ तक कि एनर्जी डेंसिटी अच्छी रहेगी, कम सेल लगा के आप ज्यादा रेंज को अचीव कर पाएंगे। और इस सेल का यूज 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इवन 3 व्हीलर्स में भी करना पॉसिबल है। कुल मिला के इसे 5G ऑफ सेल या 5G ऑफ बैटरीज कहा जाता है, क्योंकि ये आपको जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल होंगे वो देखने को मिलेगा। और कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसकी जो मेजर कॉस्ट होती है ना, वो होती है उसके सेल्स में। अगर ओला इलेक्ट्रिक कंपनी सेल को अपने प्रोडक्ट्स में ले आती है तो मार्क माय वर्ड्स, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होंगे और उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज आती है कि अक्सर लोग कहते हैं यार ओला की बिल्ड क्वालिटी ठीक नहीं है, वहां पे इश्यूज बहुत आते हैं, कई बार लोगों को फेलियर देखने को मिलता है और ऊपर से सर्विस अच्छी नहीं है। और पीछे का सिंपल सा रीजन यही है कि यहाँ पे जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो काफी डिफरेंट होते हैं AIS इंजन जो पेट्रोल गाड़ियां होती है वहां से। अब इस चीज को यहाँ पे पता है फिक्स कैसे किया जा रहा है? देखो सिंपल सी चीज है कि मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी सर्विस देनी है तो एक चीज रहती है कि प्रोडक्ट ही ऐसा बना दो कि उसके अंदर सर्विस की जरूरत ही ना पड़े। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये चीज ओला इलेक्ट्रिक को पता थी। देखो पहला स्कूटर निकाला था, कुछ दिक्कतें थी, कुछ इश्यूज थे, वो सारा फीडबैक लेके उन्होंने जनरेशन 2 बनाई थी कि जो बेसिक चीजें लो की वो फिक्स किया जाए। लेकिन जो उन्होंने अभी जनरेशन 3 दिखाई है अपनी, जिसपे वो आने वाले समय मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे, वो काफी ज्यादा एडवांस लगती है। सबसे पहले तो 4680 सेल को यूज करेंगे, जिस कारण से ऑलरेडी कॉस्ट कम आ जाएगी। इसके साथ ही उसको हीट सिंक वगैरह में डाल रहे हैं, उसको बॉडी के स्ट्रक्चर का पार्ट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, जिसे देख के लगता है कि जो बिल्ड क्वालिटी वाली चीजें थी वो आगे चल के सॉल्व होंगी। और जैसे एथर के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, वैसे कुछ ओला यहाँ पे करेगी। इसके साथ अगली चीज करेगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन सबको रिड्यूस करके एक ही सिंगल बोर्ड के अंदर ले आओ। ये चीज देखा जाए तो सबसे खास बात है, क्योंकि आज भी देखा जाए तो अगर आप लोगों ने ओला गाड़ी देखी है तो वहां पर जो भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इश्यूज या ग्लिचेस आते हैं वो क्यों आते हैं? मल्टीपल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट लगे हैं, मोटर कंट्रोलर अलग है, BMS अलग लगा है, एक व्हीकल कंट्रोल यूनिट अलग लगा है। ये सारे आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। सिंपल करने का तरीका यह कि सारी चीजें एक बोर्ड के अंदर कर दो, यानी कि मोबाइल फोन में सबकी सारी चीजें एक मदर बोर्ड के अंदर होती है ना, और कई बार अगर हम PC असेंबल करते हैं तो पता नहीं रहता कि कौन से पार्ट पे गड़बड़ है। यही सारी चीजें सॉल्व करने के लिए सिंगल बोर्ड के अंदर सारी चीजें डाल रही है और मोटर को भी इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे बना पाना भी सस्ता पड़े प्लस एनर्जी एफिशिएंसी रहे। जिसका बेनिफिट यहां पर बताऊं क्या पड़ेगा, जो जनरेशन 3 के जो व्हीकल्स आएंगे जो आपको अगले साल देखने को मिलेंगे, वहां पे उनकी कीमत भी कम होगी क्योंकि खुद का सेल यूज कर रहे हैं,
उनको बना पाना सस्ता पड़ेगा, उनकी रिपेयरबिलिटी भी आसान रहेगी, इसके साथ ही यहाँ पे उसके अंदर इश्यूज भी नहीं आएंगे और सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स भी डाल पाएंगे अपने स्कूटर्स में जो इससे पहले बहुत ही कम देखने को मिलते थे। इवन ये भी बताया कि अडास जैसी चीजें जो आज के समय में आपको कार्स में देखने को मिलती है वो देखने को मिलेंगी, और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कम होने से जो सर्विस वाली जो चीजें आ रही थी उसकी भी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, और जो अपकमिंग जो व्हीकल्स आएंगे वो इतने ज्यादा रफ एंड टफ और इतने बढ़िया होंगे कि वहां पे आपको आफ्टर सेल्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। इसलिए मैं कहता हूं अगर ओला स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो इनके जनरेशन 3 वाले व्हीकल्स के लिए वेट कर लेना। इवन ये भी बोला गया कि अप्रैल से 2025 से इनके व्हीकल्स के अंदर 4680 सेल यूज होगा, तो उस टाइम तक अगर आप रुक जाएंगे तो एक बहुत सही चीज रहेगी, क्योंकि उस टाइम से आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो शायद काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो। इवन सुनने में आया कि शायद इस साल के एंड तक ये लोग कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं अपने अपकमिंग स्कूटर से रिलेटेड। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा, इन्होंने बहुत सारे स्कूटर्स के बारे में शोकेस किया जो उनके पाइपलाइन में जो हो सकती चीजें, लेकिन उसमें भी जो ग्रैंड टूरर जैसी चीजें वो शायद इंडियन मार्केट के लिए ठीक नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखूंगा मैं कि आपको 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की रेंज वाले भी स्कूटर देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो उसकी सर्विस के ऊपर भी पड़ेगा। जो सर्विस होगी यहाँ पे वो काफी तेजी से इंप्रूव हो गया ओला की, क्योंकि ये लोग अपने जो पार्ट्स होंगे ONDC नेटवर्क पे अवेलेबल करवाएंगे, जिस कारण से थर्ड पार्टी गैराज होंगे ना वो भी इन पार्ट्स को ऑर्डर करके आपके गाड़ियों को ठीक कर पाएंगे, तो वहां पर भी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली चीज आती है इनकी बाइक्स से रिलेटेड। आज भी इंडिया में एक ऐसा सेगमेंट है कि इलेक्ट्रिक बाइक हमें चाहिए, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक बाइक के सेगमेंट को कोई भी कंपनी टच नहीं कर पाई। आपको बजट के अंदर रिवोल्ट की बाइक है, लेकिन रिवोल्ट बहुत पहले से आ रही है, लेकिन वो कोई रिवोल्यूशन नहीं लेकर आ पाई। इसके साथ ही प्रीमियम में अल्ट्रा वायलेट नाम की एक बाइक आती है, वो भी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। एक मैटर कंपनी जिसने अपनी बाइक निकाली थी इसके अंदर गियर्स थे वो भी ज्यादा नहीं है। टॉर्क की क्रेटोस आती है वो भी कुछ जलवा नहीं दिखा पाए। लेकिन अब ओला ने डिसाइड किया कि वो अब अपने आप को इलेक्ट्रिक बाइक के सेगमेंट में कूदेंगे और 3 बाइकों को शोकेस किया। पहली बाइक का नाम है रोडस्टर एक्स। ये बिल्कुल ही बेसिक सिंपल बाइक इन्होंने डिजाइन करी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगी, और इसके लिए उन्होंने पूरा बाइक का भी एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया है जिसे वो आगे चल के अपग्रेड कर सकते हैं अपने 4680 सेल के ऊपर, तो वो एक अच्छा काम है। इसके साथ ही बाइक बिल्कुल ही सिंपल सी है। ये मार्केट में जो स्प्लेंडर आती है ना उसको किल करने के लिए डिजाइन की गई है कि ताकि जो लोग हैं ये हमारी बाइक को ले और मार्केट के अंदर जो स्प्लेंडर आ रही है उस पर ना जाए। इवन बजाज की जो CNG बाइक आती है ना उसके लिए भी तगड़ा कंपटीशन हो सकता है, और ये बिल्कुल ही बेसिक रहेगी। चाबी लगाओ चलाओ, कोई ज्यादा फैंसी फीचर नहीं, कोई ज्यादा चीजें नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी। इसलिए इसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी अग्रेसिव लगती है, 75,000, जो मार्केट में मिलने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेटर है। क्योंकि पहली बात यहाँ पे आपको मिड ड्राइव मोटर मिलेगी, आपको हब मोटर देखने को नहीं मिलेगी जो इस सेगमेंट में सभी स्कूटर्स में आती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल गए, कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेंगी, इवन बेटर रेंज भी आपको निकाल कर दे देगा। बस जो डिफरेंस बाइक और स्कूटर में रहता है वो रहता है सामान का। आपको एक बूट स्पेस मिलता है स्कूटर में, आपको आगे की तरफ स्पेस मिलता है, जबकि बाइक के अंदर आपको बड़े टायर्स, ऑफ रोडिंग वगैरह जो करनी है वो कर सकते हैं। रोस्टर गाड़ी जो रहेगी ये आपकी देखने को मिलेगी 2025 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू करेंगे। लेकिन वही बात करें इनकी जो रोडस्टर आती है वो इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको देखने को मिलेगी मार्च 2025 से। मेरे को लगता है कि अप्रैल तक इसकी डिलीवरी जा सकती है, क्योंकि ये बाइक के अंदर काफी सारे एडवांस फीचर्स भी डालेंगे और MoveOS जो इनका अपकमिंग जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया इन्होंने वो भी आएगा जो इनके स्कूटर्स में आता है, और वहां पर भी वो लोग अपने आपको नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। जैसे कि बाइक के अंदर या स्कूटर के अंदर कोई भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का जो सेंसर होता है वो नहीं है, लेकिन एल्गोरिथमिकली AI का यूज करके बता दें कि टायर में हवा कम है कि ज्यादा है। जो उनका कृत्रिम AI असिस्टेंट है उसे वो इंटीग्रेट करने वाले हैं, ओला मैप्स को बेटर करने वाले हैं। और हम MoveOS या जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात बता रहा हूं ना मैं, ये इतनी ज्यादा एडवांस चीजें जो आपको इससे पहले किसी दूसरे टू व्हीलर में देखने को नहीं मिली थी, और इवन ग्लोबली भी इतने फीचर किसी भी टू व्हीलर्स में नहीं आते, तो वो एक एडवांस चीज है। और उसकी भी जो रोस्टर जो उन्होंने गाड़ी बनाई है ना उसकी भी जो प्राइसें रखी वो काफी ज्यादा कंपेटिटिव रखी, जो अराउंड 1 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है। 1 लाख के नीचे रोस्टर एक्स आ गई, और 1 लाख के प्लस में अगर आप जाएंगे तो आपको रोस्टर गाड़ी देखने को मिल जाएगी, जो देखा जाए तो आपकी जो मेन स्ट्रीम जो दूसरी बाइक्स आती है उनको यहाँ पे कम्पीट करेगी। और मार्केट में देखा जाए तो एक जो लीड रहती है ना, जो बजट सेगमेंट रहता है बाइक्स का, उसे यहाँ पे कवर करने के लिए बनाई है। इसके साथ ही बात करें जो प्रोफेशनल रहते हैं, जो प्रो वर्जन रहता है वो काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि जो रोस्टर प्रो आई है ना बाइक, उसकी स्पेसिफिकेशन में चेक कर रहा था और देख के ऐसा लगा कि वो बाइक इस तरीके से डिजाइन की गई कि ग्लोबल लेवल पे वो कम्पीट करिए। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिक बाइक की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो जीरो कंपनी है। जीरो कंपनी की बाइक्स आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगी आती है,
वैसे फीचर्स ही अपनी गाड़ी के अंदर ले आए हैं और ऐसी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन या बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती है। जैसे कि इस बाइक के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगी, बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी अप टू 16 किलोवाट आवर की, अडास जैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इस गाड़ी को अपने आप से लेवल बेस्ट बना देते हैं। और इतने फीचर, इतनी स्पेसिफिकेशन किसी दूसरी बाइक में इस सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर नहीं आती। तो देखा जाए तो ये बाइक के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं और सोच रहा हूँ कि ये एक ऐसी बाइक रहेगी जो ग्लोबल लेवल की बाइक रहेगी, लेकिन ये बाइक हाल फिलहाल नहीं आने वाली। वैसे कहा गया कि दिवाली 2025 में इसकी लॉन्च डेट होगी, डिलीवरी दिवाली तक स्टार्ट हो जाएंगी अगले साल, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जनवरी 2026 से पहले गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि गाड़ी लिटरली बहुत ज्यादा एडवांस है, इसको बनाने में, टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके साथ ही आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें बता सकता हूं कि अब ओला जो कंपनी रहेगी ना, ये काफी अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ये अब पहले था कि एक स्कूटर लाई, काफी सारी चीजें करेगी, लेकिन अब इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग बिलीव करते हैं कि सामने वाला कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कोई चीज सोच पाए उससे पहले हम उसे एग्जीक्यूट कर ले। इन्हें पता है कि इनकी गाड़ियां इतनी परफेक्ट नहीं थी, इसलिए जनरेशन 2 ले आए। जनरेशन 2 में इन्हें पता था क्या कमियां रह गई, वो जनरेशन 3 में फिक्स करेंगे। इन्हें पता है इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, चेतक अच्छी बिल्ड दे रहा है, जनरेशन 3 में सारी चीजें बदल देंगे। इन्हें पता है कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, ये अपनी सर्विस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं जो इनके हाथ में वो कर रहे हैं। गाड़ियों को इस तरीके से बनाएंगे कि सर्विस की जरूरत कम से कम पड़े। बाइक सेगमेंट अभी खाली था उसको फिल कर रहे हैं। अच्छी बाइक की जरूरत थी, जो 2.5 लाख रुपए में जो रोस्टर प्रो निकाली है, वो बाइक जो है ना, जो स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, वो लगभग 5 लाख रुपए तक की बाइक में भी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इस तरीके से प्रोडक्ट्स डेवलप करो जो आपको काफी अच्छे और काफी अफोर्डेबल रेट में दे, और इस तेजी से वे लोग मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी देखा है तो आज के समय में जो ओला कंपनी जो गाड़ियां जिस तेजी से बेच रही है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, एक तो इनका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, दूसरी चीज फीचर ये लोग सबसे ज्यादा देते हैं, तीसरी चीज इनके अंदर रेंज आपको सबसे ज्यादा मिलती है, और परफॉर्मेंस और जो स्पीड रहती है ये भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से कंपनी मार्केट में चल रही है, लेकिन आने वाला फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो बाइक्स तो इन्होंने कुछ दिखाई है अभी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस साल वो एक या दो बाइक्स और दिखा सकते हैं, जैसे कि एरोहेड और स्पोर्ट्सर के बारे में बात कर रही थी। इन बाइक्स का भी इंट्रोडक्शन मेरे को लग रहा है कि बहुत ही जल्दी दिखाएंगे। अगले साल ही अपनी जो बाकी बची हुई बाइक्स होती है उनको भी दिखाएंगे। यहाँ तक कि ये भी सुन रहे कि अपने 3 व्हीलर पर भी काम कर रहे हैं और अपना खुद का 3 व्हीलर भी उतार सकते हैं मार्केट में, जैसे आपको मार्केट में बजाज और महिंद्रा के देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बात करें 4 व्हीलर की, 4 व्हीलर की गाड़ी उन्होंने 2022 में टीज कर रही थी, लेकिन 2024 तक गाड़ी नहीं आई। मेरे को क्या लगता है कि गाड़ी वाला प्रोजेक्ट थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर डाल दिया, क्योंकि मार्केट अभी इस तरीके से तैयार नहीं है और इंडिया में अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर का पोर्टफोलियो आने के बाद अगर इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप अगर होता है, उसके बाद गाड़ी लाने के लिए सूटेबल टाइम होगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 2-3 साल तक इनकी कार आएगी, कि ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में आते ही खत्म हो जाएगी, नहीं, लेकिन अभी भी टिकी हुई है मार्केट में। और डेफिनेटली इसके आने के बाद बाकी सारी कंपनीज जो रेस पकड़ी वो काफी अच्छा है, और दूसरी कंपनीज के भी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प अपनी विडा लेकर आई है, यहां तक की बात करें बजाज का चेतक काफी एडवांस हुआ है, वो आपको सस्ते रेट में देखने को मिल रहा है। और इम्पैक्ट देखा है मैंने कि दूसरी कंपनीज ने भी मेहनत करके अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाया। इवन एथर कंपनी भी जो सालों से अपना 450 निकाल रही थी, अब वो अपना नया स्कूटर रिस्टा निकाल रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बात बता सकता हूं कि एथर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी काम कर रही है, और हो सकता है वो शायद आपको अगले साल देखने को मिल जाए, क्या पता, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। यहाँ पे देखते हैं वाले टाइम में यहाँ पे क्या रहता है, क्या सारी चीजें रहती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट, ओला का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था, काफी सारी बातें थी करने वाली, तो सोचा आप लोगों से यहाँ पे वो बातें करूं। बाद में वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो एक्सपीरियंस रहा है ओला से रिलेटेड या कोई भी चीज है, नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।